इंदौर में पटेल नगर स्थित झूलेलाल महादेव मंदिर हादसे में मरने वालों की संख्या 36 के पार हो गई है। 20 के करीब लोग जख्मी हैं। इस बीच बावड़ी से जिंदा निकले पहले व्यक्ति ललित सेठिया ने बताया वहां पूजा के दौरान क्या हुआ था, हादसे के वक्त कितने लोग थे और इनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या कितनी थी। मैं वही था जो हवन चल रहा था, बस लास्ट में जो आहुति देने के लिए हम खड़े थे, बस आहुति देने के लिए खड़े हुए एक दूसरे का बस ऐसे हाथ टच करे थे और एकदम से वो जमीन धस के नीचे चले गया। और उसमें कम से कम उसमें 40 से 50 होने चाहिए था, महिलाएं ज़्यादा थी, बच्चे भी थे उसमें और बहुत सारे थे, मतलब अंदर होश में थे जब नीचे। हाँ, मैं बिल्कुल होश में था। क्या मंजर देखा? मंजर था ऐसा था कि मैंने मेरे जिंदगी में ऐसा मंजर हाय तोबा मचे, बचाओ, मर भी गए। मैंने खुद ने लेडीज को तरते दो लेडीज को वो मरते हुए देखा मैंने खुद ने वहाँ। मैं वहाँ डोरी पकड़ के और किसी के सहारे फिर उन्होंने वो जाला फेंका, जाला पकड़ के फिर बाहर आया मैं। सबसे पहले आप ही निकले? हाँ जी, कोई और भी निकला? नहीं, पहले मैं ही निकला था। तो वो क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह का वो आपको सीन लगा कि मौत के मुंह से? बस वही मौत के मुंह से निकल के आया, बस समझ में नहीं आया क्या हुआ। 5 मिनट में अंधेरा हो गया, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को कैसे निकला, मैं भी नहीं जान सकता हूँ। धसने का कारण क्या मानते हैं? क्या बावड़ी का पता नहीं था? बावड़ी का पता ही नहीं था हमको, तो ता ही पता, मैं रोज जाता हूँ उस मंदिर में, मेरे को तो पता ही नहीं कि यहाँ बावड़ी है। वो एकदम धस गया, नीचे चले गए हम नीचे। मतलब ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम होगा? नहीं नहीं, पता ही नहीं पड़ा, एकदम धस गए। 5 मिनट तो अंधेरा हो गया, अंधेरे पता ही नहीं पड़ा, अंदर ऐसा गंदा था मतलब आप सोच भी नहीं सकते उसके अंदर कैसा रहा वो आदमी। तो आधे लोग तो इसके कारण वो मर गए, क्योंकि उसकी गैस के कारण मर गया वो। ऐसे बदबूदार था, मतलब भयंकर बदबू थी उसके अंदर, सांस ही नहीं आ रहा था उसके अंदर, तो गंदा पानी उसके बाद सब मतलब सही, मतलब वो पूरा आधा तो ऐसा हो गया कि पूछो मत कि ख़त्म नहीं हो जाए अपन, जिस तरह से वहाँ वो था, कई साइड में लग गए, मतलब बहुत सारा मतलब। आपको कहाँ कहाँ अभी चोट लगी? मेरे को हाथ में फ्रैक्चर आया था और थोड़ा चेहरे पे, घुटनों पे वगैरह ये सब खरोच आई है। क्या कहना चाहेंगे आप सुरक्षित? मैं बहुत भगवान का शुक्र है कि मैं सुरक्षित निकल आया। गौरतलब है कि रामनवमी के मौके पर प्राचीन श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर पर बावड़ी की छत धंस गई थी। जानकारी के मुताबिक बावड़ी में 4 से 5 फीट पानी था। अभी भी कुछ और लोगों के बावड़ी में फंसे होने की आशंका है। हादसे के बाद सेना ने मोर्चा संभाला था। आर्मी की टीम रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी थी। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला। सेना के रेस्क्यू में उतरते ही महज 5 घंटे में 21 लोगों के शव बरामद किए गए थे।